वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। नितिन गोयल आपका स्वागत करता है अपने चैनल पे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के साथ। आज का हमारा टॉपिक रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर आइटम्स। आपको पता होगा कुछ आइटम रेवेन्यू नेचर होते हैं, कुछ हमारे कैपिटल नेचर होते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं स्टार्टिंग स्टेज में हमें कन्फ्यूज़न बनी रहती है और कई लोगों को काफ़ी टाइम तक भी बनी रहती है। तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, जो नहीं आता हम सीख लेते हैं आज की डेट में। तो रेवेन्यू और कैपिटल नेचर में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, एग्जांपल दोनों के समझाऊंगा, लेकिन एक बात क्लियर रखिएगा, रेवेन्यू नेचर जितने भी आइटम होते हैं वो रेगुलर होते हैं। रेगुलर बिजनेस के अंदर हम इसको इनकर करते हैं या मिलती है हमें इनकम। कैपिटल इट इज सम टाइम और वन टाइम। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि रेगुलर रेवेन्यू जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं, और जो कैपिटल वाले होते हैं वो कभी कभी होते हैं या एक ही बार होते हैं। एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं रेवेन्यू इनकम की। नॉर्मली क्या एक्सपेंडिचर तो हम रट्टे मारते हैं, इनकम भूल जाते हैं। रेवेन्यू इनकम क्या होती है, जो हमारे बिजनेस में द इनकम विच इज कमिंग टू अस रेगुलरली इन द ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस, जो हमारे बिजनेस को लगातार करने से हमें इनकम आती है, जैसे सेल से हुआ प्रॉफिट, जैसे हमें सेल्स से प्रॉफिट होता है क्योंकि सेल रेगुलर होती है। सपोज आपने किसी कंपनी में शेयर्स में पैसा लगा रखा है, उस पर डिविडेंड मिल रहा है, आपने कई पैसे सेविंग अकाउंट में एफडी करा रखी है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। किसी जगह से आपने कोई प्रॉपर्टी अपनी किराए पर दे रखी है कंपनी का पार्ट, उस पर आपको रेंट मिलता है। तो ये सब आपकी रेगुलर इनकम में आता है, तो आपके रेगुलर है और लगातार चलता रहता ही है। लेकिन कैपिटल नेचर क्या है कि आपके पास कोई पुरानी बिल्डिंग थी, आपने उस बिल्डिंग को कई सालों बाद बेच दिया, तो उस समय आपको उस पर प्रॉफिट हुआ, दैट इज़ कैपिटल इनकम। आपने कुछ पुराना कबाड़ी का फर्नीचर था जिसकी डेप्रिशिएबल आफ्टर डेप्रिशिएशन जो बुक वैल्यू बची दैट वॉज 200, आपने बेच दिया 500 में, तो 300 का प्रॉफिट हुआ, दैट बिकम्स कैपिटल नेचर। तो बिकॉज दैट इज़ सम टाइम, तो फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि ये कभी कभी आप बेचोगे, रेगुलर नहीं बेच सकते। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर एट हायर प्राइस, तो जो आपका प्रॉफिट हुआ वो हमारा कैपिटल इनकम हो जाती है, दैट इज कैपिटल इनकम। मुझे पता है कि अब तक आपको समझ आ गया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में फर्क क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो हो जो हमारे रेगुलर बिजनेस में हम लगातार खर्चे करते रहते हैं, जैसे सैलरी, लाइटिंग, हीटिंग, लिस्ट बहुत लंबी है, मैं सारा नहीं बोल रहा, जल्दी जल्दी बताता हूँ। जैसे सैलरी, लाइटिंग, हीटिंग, डिस्काउंट देना, डेप्रिसिएशन चार्ज करना, ये सब चीज़ें लगातार चलती है हमारी कंपनी में, कमीशन देना किसी को, कंपनी कॉलेज अपने ऑफिस का रेंट देना किसी को, ये सब चीज़ें लगातार, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सब नाम आपने ढूंढे हैं, लेकिन ये सब रेगुलर है, बिजनेस में हमें लगातार खर्चा करना पड़ता है, दैट इज़ रेवेन्यू नेचर। लेकिन कैपिटल नेचर में क्या आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने बिल्डिंग बेची थी तो प्रॉफिट हुआ, कैपिटल इनकम, लेकिन बिल्डिंग खरीदोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीनरी खरीदी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट का पैसा दिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बिकॉज आपने ये सारा का सारा खर्चा एक बार किया या कभी कभी करोगे, आप रेगुलरली ये खर्चे नहीं करते, तो दे बिकम कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो लाइक परचेज ऑफ मशीनरी, आपने बिल्डिंग की मेंटेनेंस कराई, रेनोवेशन कराया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कभी करते हो आप। और अभी भी अगर भूल जाओ ना कभी, तो याद रखना रेवेन्यू नेचर कैपिटल नेचर, भारी कौन सा है, कैपिटल, तो भारी वाला काम कभी कभी करते हैं हम। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल इनकम मोटे अमाउंट होते हैं, खर्चे मोटे होते हैं या इनकम मोटी होती है, तो कैपिटल।
रेगुलर होते हैं, छोटे छोटे कंपनी के हिसाब से लगातार चलते हैं, चाय की पेमेंट, रेंट की पेमेंट, सैलरी की पेमेंट, ये सब रेवेन्यू, सेल से पैसा आ रहा है, रेंट से पैसा आ रहा है, कमीशन आ रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, सब रेवेन्यू इनकम। सो आई होप कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा आज की क्लास में, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर क्या होते हैं आइटम्स, वही इनकम और एक्सपेंडिचर में आप कैटेगराइज कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ वो कॉन्सेप्चुअली पढ़ाता हूँ, तो कोशिश करना यहाँ से अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है तो इसके बाद उसके बारे में थोड़ा और स्टडी अपनी बुक से जरूर करो, ताकि आपको उसकी क्लैरिटी हमेशा के लिए हो जाए, कुछ एग्जांपल आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। ऑलराइट दोस्तों, सो विद दैट आई टेक अ लीव। आई होप कि आपने अब तक वो बटन जो था लाल रंग का बटन जिस पे लिखा है वाइट से सब्सक्राइब दबा दिया होगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते रहोगे और मेरे चैनल पे एक्टिव रहोगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बहुत कुछ लेकर आऊँगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑलराइट दोस्तों, विद दैट आई टेक अ लीव। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।